स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में री इन्वेंट जर्नलिज्म इन अमृत काल विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, एल्जिन हुसैनली, मुस्तफा जवार, उदय कुमार मन्ना, दीपचंद माथुर, सुजीत सिंह दिदेवर, ओंकारेश्वर पांडे, मनोहर मनोज, संजय राय ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर संदीप मावा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, पत्रकार को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए, जिससे जनता तक जो सूचना पहुंचाते हैं वह सही जानकारी हो। वहां मौजूद अतिथिगण ने भी पत्रकारिता पर अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल एल्चिन हुसैनली, एम्बेसडर ऑफ अजरबैजान, मौजूद रहे, जिसमें हरी बुलबुल फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मावा द्वारा एल्चिन हुसैनली को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में अमृतकाल का सकारात्मक भारत ग्रंथ भाग तो का विमोचन किया गया। RJS PBH डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर और सकारात्मक भारत उदय यात्रा गुजरात के बैनर का लोकार्पण किया गया। साथ ही पत्रकारिता क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे लोगों को अवार्ड भी दिया गया। सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। My first time. I've been here so many times, and any time I come, I see new things, new improvements. I am quite impressed. I contacted Honorable Sandeep Marwa just 3 days ago to request that the artists from the Gambia who are here on Suraj Kund Mela in Faridabad, they would like to pay him a visit to showcase our culture, our arts, and he accepted right away. So that is a friendship. He is a friend indeed. They say a friend in need is a friend indeed. He is a true friend of mine and a friend of the Gambia. And as I said earlier on, he's a global property. Don't think that only Indians own him. We also own him. He's a global property. We all of us own him. He's a good guy. I mean, the organizers, I think you did a marvelous job to organize this. It's not easy. But as journalists, because this is the festival for journalists, 2024, you play integral part in the cultural diplomacy, because you can fix it and you can break it, journalists. A lot of responsibilities on your shoulders. If you want to, you know, expose a culture, to have a cultural dimension, international dimension, you can do that. And if you also want to sit on the information and mismanage it, you can also do that. So journalists, you know, you have the upper hand. You know, the culture, I mean, cultural, what's it called, exchanges between one country and another country is an integral part of bilateral diplomacy, people-to-people contacts and all those stuff. So this festival is having that dimension. We really appreciate it. You know, now, you know, I think today, Gambia will be all over, you know. The positive media team is बहुत सारे मीडिया की टीम जो है वो सिर्फ पॉजिटिव मीडिया को एक री इन्वेंट इन जर्नलिज्म की ओर देख रहे हैं। यही टॉपिक 13 फरवरी 2024 मारवा स्टूडियो, डॉक्टर संदीप मारवा जी की अध्यक्षता, जो स्वयं ही एक पॉजिटिव पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे व्यक्ति अगर पॉजिटिव मीडिया के साथ हैं तो नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड कितनी आसानी से हो जाएगा। इसलिए सारे पत्रकार दिल से पत्रकारिता जब करेंगे तो वो लोगों के दिल तक पहुंचेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूबर हो, या फिर प्रिंट वाले हो, या सोशल मीडिया वाले हो, किसी का महत्व कम नहीं है। हम सब एक हैं। कैमरे के पीछे भी कितनी मेहनत करते हैं जिससे कि वो जनता तक पहुंचता है, लेकिन जो कैमरामैन, फोटोग्राफर दिल से पत्रकारिता करते हैं, वो
इतिहास बनाते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर, ब्योरा जी जो इन्होंने फोटोग्राफी का महिला थी वो, और कैसे उन्होंने नाम किया। तो जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, यही आरजेएस पॉजिटिव मीडिया कहना चाहता है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जो काम करो उसको शिद्दत के साथ करो, पूरा वर्ल्ड आपकी ओर देख रहा है। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, आरजेएस राम जानकी संस्थान, आज जय श्री राम। 9 साल से राम जानकी संस्थान ने बहुत सारे पत्रकारों के लिए वर्कशॉप किया, और इसी मारवाही स्टूडियो में 100 पत्रकारों का टेक्निकल वर्कशॉप डॉक्टर संदीप मारवा जी के सानिध्य में हुआ था, जिसमें MS बिट्टा जी जिंदा शहीद जो देशभक्ति की मिसाल है वो आए थे। आरजे सभी लोगों का है, ये भारत के वसुधैव कुटुंबकम को पूरे वर्ल्ड में ले जाने के लिए पैदा हुआ है। भाई बहन के साथ आरजेएस के 25 व्हाट्सएप ग्रुपों में बात होती है। शून्य पर जब हम पूरे देश को शिकागो में आंदोलित कर सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहके, तो आज हम क्यों भूल रहे हैं? हमारे अंदर वो शक्ति है। और आप युवा वर्ग को आह्वान है कि जो कीजिए दिल से कीजिए, वो दिल तक पहुंचेगी। चाहे आपके घर में पॉजिटिव रहकर कीजिए, सड़क पे कीजिए, ऑफिस में कीजिए, लेकिन जो काम कीजिए वो दिल से कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और उसी का आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो इनवाइट हुआ है 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। मैं तो ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर हूं, मैंने तो 30 साल रेडियो को दिए हैं, मैं जानता हूं कि रेडियो कैसे लोगों के दिलों को तरंगित करता है। इसलिए हम लोग आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में केवल कवरेज नहीं, लोगों से जुड़ने के लिए यात्राएं भी करते हैं। और हम लोग 24 फरवरी जिसका बैनर लॉन्च हुआ, और अमृतकाल का सकारात्मक भारत ग्रंथ वॉल्यूम 2, तो आप देख रहे हैं कबीरपंथी हम लोगों के बीच हैं, आरजेएस परिवार से जुड़े हुए हैं। और ये होस्ट हैं, जो मंदिर है जामनगर का श्री कबीर मंदिर, वो होस्ट हैं वहां के।